हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे गाइस, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और ना भी ठीक हूँ, क्योंकि ना मुझे आप लोगों से भी कुछ बातें करनी है, तो बने रहिए गाइस वीडियो में। और आज तो मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो और आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत खास है, और ये जो वीडियो है ये बृहस्पतिवार के दिन का है। तो अभी ना बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं थोड़ा कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो मैं आप लोगों से आज ना काफ़ी सारे बातें करने वाली हूँ। आप लोगों से मुझे, मतलब सब लोगों से नहीं, कुछ लोगों से शिकायत है, कुछ लोगों की शिकायत है, तो वो भी मैं करूँगी, वो भी मैं आपसे बताऊँगी। क्योंकि देखिए, काफ़ी दिन तक, एक दो दिन तक चल जाए तब तो सही है, मगर ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं है, कभी ना कभी बोलना भी ज़रूरी पड़ जाता है। तो वही आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि अब तक मैं नहीं बोलती थी। क्या हुआ, कल मैं वीडियो डाली थी, देखे भी होंगे कुछ लोग, नहीं भी देखें, चलिए मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। बीच में थोड़ा सा ये था कि चलने लगा था मेरा चैनल, मगर फिर से डाउन हो गया। कोई नहीं, वो तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में है, वो लगा रहता है, वो तो मैं झेल रही हूँ और झेलते भी रहूँगी। देखती हूँ कब तक ऊपर वाले मेरा इम्तिहान ले रहे हैं और आप लोग भी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। मगर आप लोग देखिए, पुराने जो मेरे फ्रेंड हैं उनका तो मुझे पता है, वो लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। एक न्यू फ्रेंड जुड़े हैं तो वो ऐसे किए हैं। बताइए, ऐसा करना चाहिए? कल मैं वीडियो डाली तो ऐसे भी उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं है, बस 50 व्यूज आया है अभी तक, तो मतलब सही था। रात में मैं देखी तो सही था, फिर भी ठीक था। इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो 3% था। सुबह वो वीडियो देखी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, और देखिए मेरी बातों का बुरा भी मत मानिएगा, जो चीज़ सही है वो सही है और बोलना ज़रूरी भी हो जाता है। तो जैसे ही वो वीडियो देखी, इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो होता है ना, वो एकदम 1% हो गया। व्यूज भी नीचे डाउन, इम्प्रेशन भी डाउन, एवरेज व्यूज भी डाउन। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? मेरा एक ही कहने का मतलब है, अगर आपके पास टाइम ना हो और देखने का आपका मन न करे, मैं ज़बरदस्ती बुलाने नहीं गई थी, आप खुद मेरे चैनल पे आई थी, मैं किसी के चैनल पे आज तक, मुझे पता है, मेरा आत्मा जानता है, मेरा मन जानता है, जो इंसान जो भी करता है उसका मन उसको खुद ही पता होता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता है, मैं किसी भी चैनल पे ऐसे जा कर के रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, चाहे मेरा वीडियो चले या ना चले, मैं सरे आम बोल रही हूँ, खुले आम बोल रही हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे आइए। और जब मैं जाती भी हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब जब भी कभी गई तो उनको मैं फुल सपोर्ट की। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता हुआ कि जब भी मैं गई हूँ, या जो लोग मेरा फुल सपोर्ट करते हैं उनका मैं भी फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रही हूँ। और एक साल से नहीं, आप हो सकते हैं नए नए जुड़े होंगे, मगर मुझे काम करते करते 2 साल 2.5 साल होने वाला है। एक अलग बात है कि हाँ, अभी तक मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं मिला है, हो सकता है ऊपर वाले मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मगर ये जो पल है ना, ये जो घड़ी है, वो भी कट जाएगा। मैं ये सोच करके अपने मन को मना लेती हूँ, या हो सकता है मेरे मेहनत में कहीं कमी होगी, मेरे काम में कोई कमी होगी, इसी वजह से मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा। तो आप लोग मजाक करने का, मजाक उड़ाने का नया तरीका मत यूज कीजिए। वीडियो अगर देखना हो तो फुल नहीं तो कम से कम आधा देखिए, और ना तो देखिए ही मत, यही मैं बोल रही हूँ। अभी भी मेरा व्यूज कम आ रहा है, हो सकता है और भी कम है, कोई बात नहीं, वो मैं झेल लूँगी, मगर इस तरीके से प्लीज़ मत किया कीजिए। एक वीडियो के पीछे मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत करती हूँ और कितना ज़्यादा उस चीज़ से इंसान का उम्मीद होता है। मुझे पता है ना मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम होता है उन्हीं को पता है। तो अगर किसी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो किसी का इस तरीके से मजाक भी मत बनाइए। और बाकी आप लोग जो भी इस तरीके से कर रहे हैं, बाकी तो मेरे पुराने जितने भी फ्रेंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और मैं, मुझे पता है कि मेरा आगे भी सपोर्ट करेंगे। और जो लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं उनसे, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और चलिए, बातें जो हो गई है वो ख़त्म है। जो मेरे मन में था, मैं कई दिनों से मन में रखी थी, तो वो चीज़ बोलते हैं ना कि मन में ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कड़वाहट जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए मैं बोल दी हूँ, और गलत मत समझिएगा, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। और अभी ना मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे चले गए स्कूल, घर में झाड़ू लगा दी हूँ पूरे घर में, और खाना बना रही हूँ। और खाने में बना रही हूँ सब्जी, चावल, आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँगी सूखी सी, और चावल और कढ़ी बनाऊँगी पकौड़े वाली। तो पकौड़े के लिए मैं बेसन वगैरह घोल करके रख दी हूँ, कुछ का रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज का दिन जो है गाइस मेरे लिए बहुत खास है, बहुत खास है, मुझे पता है कितना खास है। आप सबको पता है मेरा घर बन रहा है, मैं फिर से इमोशनल हो जाऊँगी। उसी घर में आज छत बनने वाला है, यानी कि घर चुनाई का काम हो गया था, दीवारें लग गई थी, बस छत बनने वाला है, तो वहीं मुझे जाना है। हस्बैंड जी सुबह से ही चले गए हैं, वो सुबह 7 बजे ही निकल गए हैं,
हम लोग ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो मुश्किलें और मत बढ़ाइए। ऐसे भी मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मैं तो सोची थी कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ कमाऊंगी, मगर कुछ भी डॉलर नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहे, 0/0 है। यूट्यूब वाले को ही मुझसे ही दुश्मनी निकालना है, तो आप सब लोग भी निकाल लीजिए, जिन जिनको निकालना है वो भी निकाल लीजिए। और अभी मेरा जो है खाना बन गया है, मैं नहा ली हूँ, फटाफट पूजा भी कर ली हूँ, और अभी पैक कर रही हूँ बैग, मतलब लड्डू आया था यहीं से, लड्डू ले आए थे हस्बैंड जी, क्योंकि वहाँ जहाँ घर बन रहा है उधर जो होटल है वहाँ काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, तो आप सबको पता है 1-1 रुपया बचाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग यहीं से ले आए थे लड्डू, तो 2.5 किलो लड्डू है। और वही थोड़ा सा पूजा का मैं सामान लेकर के जा रही हूँ, और खाना बना ली थी, तो मैं तो खा करके नहीं जा रही हूँ ऐसे ही, और मैं खाई थी पता है कितने बजे, शाम के 5 बजे, मेरा तबीयत भी ख़राब होने लगा था, और हस्बैंड जी तो एक गुजिया खा करके गए थे बस होली पे जो बनाई थी वही, तो वही जो सब्जी चावल और कढ़ी बनाई हूँ ना वही मैं थोड़ा थोड़ा पैक करके लेकर चली गई थी, मैं सोची कि जब टाइम मिलेगा मौका मिलेगा तो खा लेंगे, तो शाम में 5 बजे वो भी मैं कितने बार बोली तब जा करके ये खाना खाए थे। तो देखिए ऐसे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मकान बन रहा है, मकान बन रहा है, मगर मैं घर ही बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है गाइस। तो मेरा घर का छत बनने वाला है, अभी देखिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, जब भी मैं जैसे भी आती हूँ वैसे ही मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, जो लोग भी यहाँ काम करते हैं ना सब यही देखते हैं और यही सोचते भी होंगे कि ये एक वीडियो क्यों बनाती है, मगर आजकल सबको पता है कि कहीं ना कहीं भेजने के लिए, घर में फैमिली को दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं, और मैं यही बोल देती हूँ मुझे ना अपने बच्चों को दिखाना है, इसीलिए मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए अभी मशीन वगैरह आ चुका है, मैं पूजा भी कर दी हूँ, और जहाँ पे छत था ना वहाँ पे मैं चढ़ गई थी, आप लोगों को लड्डू खिला रही हूँ गाइस, खा लीजिए। और ये देखिए सूरज अभी उतर के जा रहा है, ऊपर आए थे हम लोग तो सूरज से मैं पूजा करवाई थी उधर कोने में, और अभी जो है काम लग चुका है, मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बस ऐड की हूँ, और वॉइस म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि वैसे मैं तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा बस बाकी रह गया है, मैं दूसरे के छत पे जो हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं के छत पे आकर के मैं देख भी रही थी और वहीं से मैं वीडियो भी बना ली थी। तो आप सब लोग बस अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा, यही मैं आप लोगों से कहती हूँ, और भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो फाइनली गाइस आज मेरा जो रियल में बोलते हैं ना कि सर पे छत होना, ऐसा महसूस हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी, इमोशनल भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। और ये देखिए गाइस पूरा छत जो है वो बन करके रेडी हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गया, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, तो पूरा बन गया है, और मशीन जो है अब वो बंद हो गया है, ये लोग अपना मशीन लेकर के चले गए हैं, अभी वही थोड़ा बहुत काम जो रह रहा है वो सब मिस्त्री जो है वो कर रहे हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 8:30, और अभी जस्ट आ करके हम लोग यहाँ पे रुके हैं, और अभी यहाँ पे प्लेट लग रहा है क्योंकि बच्चों की पार्टी भी बाकी है, तो बच्चों मतलब इन लोगों के लिए समोसा और बर्फी आया है, क्योंकि दीपिका जो है ना मतलब बच्चे लड्डू खा करके एकदम बोर हो गए हैं, इसी वजह से उसका और तीनों का कब से मन कर रहा था बर्फी खाने का, तो इसलिए बर्फी आया है। और आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए क्योंकि छत बन गया, ले लीजिए गाइस। और अभी मैं जा रही हूँ, अब खाना बनाऊंगी, सुबह तो कढ़ी बना करके गई थी, पता नहीं किचन में भी देखी नहीं हूँ कितना कढ़ी है क्या है, और दीपिका ने, और अभी मैं आई हूँ तो बिंदी लगाई हूँ क्योंकि बिंदी भी उखड़ चुका था और एकदम थकावट से, सब लोग थक चुके हैं, सब लोग तीनों लोग, मैं सूरज शर्मा जी तो सुबह ही चले गए थे 7 बजे ही, 7:30 बजे, तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं अब इंजॉय, आ जाइए आप लोग भी साथ में समोसा और बर्फी इंजॉय करने। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और लड्डू का ये भी डब्बा गया था, 2.5 किलो लड्डू कल ही आया था, मगर ये सारा खत्म हो चुका है, देखिए बस इतना सा ही बच रहा है, कल ही लेकर के आए थे क्योंकि वहाँ पे ना और भी ज़्यादा महंगा मिलता है मिठाई या कोई भी चीज़, तो हम लोग यहीं से लेकर के जाते हैं जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब, पूजा वूजा करना हो तो गाइस गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।